नमस्कार एंड टाइम्स के साथ मैं हूं काजल। दीपावली पर्व मनाने के लिए शहर सज सवर कर तैयार है। वहीं फूलों की खुशबू से शहर महक रहा है। खिलता हुआ गेंदा है तो गुलाब की महक है, रात रानी कलकत्ती है तो कई तरह की वैरायटी हर एक को आकर्षित कर रही है। फूलों की अच्छी आवक से दूसरे प्रदेशों और जिलों से फूल मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फूलों की आ रही बहार में दाम भी अभी संतुलित हैं। 60 रुपए किलो से लेकर 250 रुपए तक विक्रय किए जा रहे हैं। फूल व्यापारी बताते हैं, गेंदा, कलकत्ती, गुलाब कहाँ से आता है? ये रतलाम जिले से आता है, 10-15 किलोमीटर। और किस किस भाव में बिकता है ये? 50 रुपए किलो गेंदा, कलकत्ती। थोड़ी जोर से बताओ। गेंदा 50 रुपए किलो, कलकत्ती 60 रुपए किलो, गुलाब 150 रुपए किलो। कमल का फूल आता है वो आसपास से आता है। ये अपने ये अमृतसर, ये अपनी तालाब है ना, ये हनुमान का व्हाइट कलर का इसमें आता है कमल का। किस भाव में आप ग्राहक को बेचते हैं? कमल का फूल अपन इधर इधर देख के आप उधर उधर कमल का फूल अपन बेचते नहीं, क्या कमल अलग आते पास ही आता कमल। कलकत्ती आ रहा है, गेंदा आ रहा है, गोल्डन गेंदा आ रहा है, रजनीगंधा आ रहा है, गुलाब है, डिवाइन गुलाब है, 10 से 12 तरह के करीबन फूल आ रहे हैं। एक कहाँ से आते हैं फूल, इनकी खेती कहाँ ज़्यादा होती है? फूल तो वैसा करीबन अपने अपने एरिया में 50 किलोमीटर के दायरे से रत्ता मंडी में आ रहे हैं। और अगर ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा के भाव होते हैं, तो आसपास के जिलों से भी किसान ले आते हैं। किस भाव में लाते हैं किसानों से, किस भाव में खरीदी करते हो आप लोग? किसान ने खुला भाव है साहब, इसमें हम कोई खरीदी है, हम डायरेक्ट खरीदी नहीं करते। ऐसा कैसा माल डायरेक्ट व्यापारी को खरीद के देते हैं, मतलब डायरेक्ट व्यापारी खरीदता है। यहाँ पे हमको सिर्फ थोड़ा मार्जिन रहता है, हमारा जो मार्जिन रहता है वो हमको मार्जिन मिल जाता है, और जो भाव रहता है वही क्या वही व्यापारी डायरेक्ट लेता है। किस भाव में व्यापारी बेचता है और किस भाव में आपने खरीदा जाता है? और किस सेम भाव है, किसान का भाव और व्यापारी का भाव एक ही है। आज का भाव, जैसे आज का भाव क्या रहेगा? आज का गेंदा का भाव 60 रुपये किलो तक गया है। गुलाब का भाव 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, डिवाइन 250 रुपये किलो, रजनीगंधा 600 रुपये किलो तक गया है। ग्वालियर में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय स्कूल स्केटिंग स्पर्धा में रतलाम के खिलाड़ियों ने बाजी मार ली है। स्पर्धा जीत कर रतलाम लौटे स्केटिंग खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। स्पर्धा 15 से 19 अक्टूबर तक हुई थी। स्केटिंग कोच नरेंद्र राव ने बताया, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सभी संभाग के करीब 450 स्केटर आए थे, जिसमें रतलाम के स्केटरों में अंडर 11 ईयर इनलाइन 500 मीटर रिंग में रुद्र सुरोलिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 17 ईयर इन लाइन में मेगा बिवाल ने 500 मीटर रिंक में ब्रॉन्ज मेडल व 1000 मीटर रिंक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अंडर 19 ईयर वन लैप रोड इन लाइन में अरिहंत पिरोदिया ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। अंडर 14 500 मीटर रिंक इन लाइन में सौम्य जैन ने 4 प्लेस प्राप्त की। साथ ही पूरे उज्जैन संभाग में रतलाम की बालिका मेगा बिवाल ने नेशनल में अपनी जगह बनाई, जो 25 से 30 दिसंबर 2019 को बेलगाम कर्नाटक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी व स्टेट में मेडल प्राप्त करे। उनका रतलाम स्टेशन पर सभी ने स्वागत किया। फैशन और क्वालिटी के साथ शहर में शुरू हुए नौशांगायत क्लब फोक शहर का एक ऐसा शोरूम साबित हुआ है जो युवाओं की पसंद पर राज कर रहा है। क्लब फोक्स पर एक छत के नीचे मेंस वियर, जीनी एंड जॉनी चिल्ड्रन वियर तथा पार्क एवेन गर्ल्स वियर की सौगात दी गई है। इस दिवाली पर्व की हर खरीदी पर यहाँ विशेष उपहार भी दिए जा रहे हैं। क्लब फोक संचालक विशाल गांधी बताते हैं, अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हम जहाँ क्लब फोक ब्रांड के साथ 8 वर्ष से जुड़े हुए हैं, आज हम वुमेन्स वियर में रेमंड का पार्क एवेन्यू वुमेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही हमारी संस्था फैमिली फैशन लेकर आई है। चिल्ड्रन वियर में इंडिया का लीडिंग एवं जाना पहचाना ब्रांड जीनी एंड जॉनी, सभी ब्रांड में आप पाएंगे कैजुअल एवं विंटर वियर की आकर्षक वैरायटी, ब्लेजर, जैकेट्स, जीन्स, टॉप एक्सेट्रा, सारी वैरायटीज कवर रेंज में। आकर्षक बम्पर ऑफर अभी ओपनिंग में चल रहे हैं। क्लब फोक्स जहाँ
सारी वैरायटी पर एक पर एक ट्री का बम्पर ऑफर दे रहा है। वहीं डिनी एंड जॉनी एवं पार्क एवेन्यू वुमेन में ट्रॉली बैग एवं हैंड बैग के आकर्षक उपहार निश्चित खरीदारी पर है। रतलाम नगरवासियों एवं आसपास के जनता से निवेदन है कि एक बार हमारी संस्था फैमिली फैशन स्टेशन रोड जो कि पूर्व में SBI परिसर था वहां पर अवश्य पधारें एक बार एवं वैरायटी का अवलोकन करें। जनता ने जो हमको आज दिन तक प्रेम दिया है उसका मैं अभिनंदन करता हूं और आगे भी हम उनको सेवाओं में संतुष्ट कर सकें। आखिरकार मंडल रेल प्रबंधक RN सुनकर का तबादला हो गया है। कुछ समय से DRN सुनकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विवादों में घिरे हुए थे जिनकी शिकायत रेल मंत्रालय तक भी पहुंची थी। श्री सुनकर का तबादला उन्हीं विवादों का हिस्सा माना जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से 25 अक्टूबर 2019 को जारी हुआ आदेश रतलाम पहुँचते ही रतलाम मंडल कार्यालय में हड़कंप मच गया क्योंकि DRM RN सुनकर का समय बढ़ने की चर्चाओं को हवा दी जा रही थी। जारी हुए आदेश के मुताबिक उन्हें CPW बनाया गया है जिनका मुख्यालय जबलपुर में है। सूत्र बताते हैं कि DRM RN सुनकर प्रिंसिपल सी में जाने की चाहत रखते थे जो पूरी नहीं हो सकी। कुछ दिनों से उनके कार्यकाल के दौरान हुए कामकाजों से रेलवे के कई अधिकारी और कर्मचारी भी नाराज और परेशान थे। जनप्रतिनिधियों ने तो रेल मंत्रालय और भारत सरकार के प्रमुख मंत्रियों तक उनकी शिकायतें भेजी थी। हाल ही में हुई बैठक में रतलाम पहुँचे सांसदों ने भी DRM की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे। शास्त्री नगर स्थित श्री साईं मंदिर पर नागपुर से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए साईं बाबा के चरित्र का रंगोली के माध्यम से मंदिर प्रांगण में ऐसा उल्लेख किया जिसमें साईं अपने भक्तों के ऊपर अपना प्रेम निछावर करते दिखे। आपको लाइव रंगोली बन रही है बाबा की, आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सीरियसली कभी सामने से ऐसे देखा नहीं था कि इतना अच्छा, और जैसा नेचुरलिटी जैसे रहते हैं ह्यूमन बींग सेम एज इट इज़। मतलब बाबा के कई पोस्टर्स देखे हैं, कई वीडियोस देखी हुई है, लेकिन इतना क्लियरिटी से रंगोली आज तक नहीं देखी, और अच्छा, देखने पर बहुत अच्छा अच्छा लगा नहीं जी। बहुत सुंदर, गॉड गिफ्ट है, बाबा का आशीर्वाद है इनको।